गाइस तो फाइनली आपको मैंने दिखा दिया है कि गूगल पे खोल के अपना, गाइस आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा गूगल पे है, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इतनी सारी कंपनियाँ भाई लोन देने के लिए, आपको पूरा पूरा दिखाया जाएगा, ठीक है। तो हम आपको पूरा दिखाएंगे और हम एक लोन ऐप के बारे में करके भी दिखाएंगे, ठीक है, उसका पूरा प्रूफ दिखाएंगे कि मैंने कहाँ से लोन लिया, ठीक है। गाइस ये देख सकते हो आप, इसमें सारे मनी व्यू हैं, कैश ही है, जस्ट मनी है, प्रेफर्ड लोन है, आई लोन है, तो सारे आप देख सकते हो। अगर आपको ये पता नहीं है कि इस ऐप को कहाँ से डाउनलोड करना, तो उसके बारे में अब हम चले जाते हैं अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं गूगल पे। आप इस वीडियो में पूरा पूरा बने रहें, मैं भी आपको दिखा देता हूँ गाइस। आपने गूगल पे लिखना है इधर, ठीक है गाइस। तो गूगल पे ऐसा आपको कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसे कुछ दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको अगर आपने डाउनलोड नहीं किया उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद अपने यूपीआई से ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम इसके वो पढ़ेंगे, रेटिंग्स पढ़ेंगे इसकी। 4.4 की रेटिंग है, अच्छी रेटिंग्स है इसमें, देखते हैं बहुत से लोगों का 4 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, तो इसमें हम देख सकते हैं यार सबके, हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो 4.4 की रेटिंग है इनकी, कुछ लोगों ने अच्छे दे रखे हैं, कुछ लोगों ने बुरे दे रखे हैं, उसके बाद हम यूज़ करेंगे। अभी हम कोई रेटिंग नहीं देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम आपका ये देख लेते हैं, आप इसमें आराम से अपने दोस्त को, किसी को, फ्रेंड को, किसी को भी आप पैसा दे सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। मोबाइल रिचार्ज आप इजीली कर सकते हैं, उसके बाद आपको मोबाइल रिचार्ज पे कैशबैक मिल सकता है, DTH इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी आपको कैशबैक मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपकी पेमेंट बिल्कुल सिक्योर रहती है, कोई बैंक से सारा गूगल के थ्रू होता है, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई फ्रॉड वाला काम नहीं होगा इसमें, ठीक है। कैशबैक के बारे में मैंने आपको बताया कि जितनी आप ट्रांजेक्शन इसमें करोगे उतने आपको कैशबैक मिलेंगे, कैशबैक में आपको कोई चीज़ का ऑफ मिल जाएगा या फिर कोई वैसा पैसे के थ्रू कैशबैक मिल सकता है, ठीक है। बैंक बैलेंस आप चेक कर सकते हो, अगर आप अपना इंटरनेट बैंकिंग नहीं चलाते हो या मोबाइल बैंकिंग नहीं चलाते हो, तो आप इसमें सीधा आप अपना UPI पिन बना के आप अपना बैंक बैलेंस भी अपना चेक कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो उसमें हम आगे दिखाते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें आपको लोन लेना सिखाएंगे, तो इसको अभी हम ओपन कर लेते हैं गाइस। जैसे कि आपने पूरा पूरा देखा, अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। तो इसमें आपको जाना है नीचे, ये देखा गाइस, एक्सप्लोर में जाना है, ठीक है। एक्सप्लोर नहीं तो आपको ऑफर्स में जाना है। देखो मेरा क्या ऑफर्स चल रहे हैं, देखो गाइस मेरा स्मार्ट कॉइन में चल रहा है 50% है कैशबैक चल रहा है, अगर मैं लोन अप्लाई करता हूँ तो, ठीक है। आप देख रहे होंगे पूरा पूरा प्रेफर में 1000 रुपये ऑफ चल रहे हैं मेरे। पे मी में मेरे 60% का ऑफ है, जो मेरी प्रोसेसिंग फीस है उसमें मुझे 60% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट मनी में मुझे कुछ EMI करूँगा तो मेरे को उसमें कुछ ऑफ मिल सकता है। इंस्टा मनी 50% ऑफ चल रहा है, आप देख सकते हो। अप्लाई करूँगा मैं लोन तो 50% ऑफ, प्रोसेसिंग फीस में मेरी 50% ऑफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद IFL लोन भी आप देख सकते हो, ठीक है गाइस। उसके बाद कैश ही में आप देख सकते हो 0 लिख दूंगा तो भाई मेरी प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल 0। अर्ली सैलरी पे करूँगा तो उनका कोड है EC Google Pay 50, ठीक है गाइस, आपने देख लिया होगा। मनी व्यू का गाइस मैंने इसी से लोन लिया था, मनी व्यू को भी मैं अभी आपको पूरा पूरा दिखाऊंगा कि हाँ यार मुझे लोन मिला है नहीं मिला, वो भी मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ऐसे ऑफर्स मिलेंगे, ऑफर्स नहीं मिलते तो सीधा आपने अपने एक्सप्लोर पे जाना है। एक्सप्लोर पे आप करोगे तो बिज़नेस कुछ खुल के आएगा, वो भी आप पूरा देख सकते हो गाइस। तो आपको यहाँ पे फाइनेंस में जाना है, फूड आपको दिख रहा है तो आपको अपने यहाँ पे फाइनेंस में जाना, फाइनेंस में ये इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जिस कंपनी से बेस्ट लगता है, जैसे अर्ली सैलरी, स्मार्ट कॉइन है, कैश ही है, ठीक है। तो स्नैपमेंट से हम करके देखते हैं, स्नैपमेंट किस चीज़ को प्रोवाइड करता है, पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। स्नैपमेंट गाइज आप देख सकते हो कि स्नैपमेंट से आप मोबाइल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो सीधा 0% EMI पे, ठीक है गाइज। जैसे सपोज़ करो स्नैपमेंट से हम ये वाला मोबाइल परचेज़ करते हैं, Vivo Y21, तो आप देख सकते हो गाइज इससे मैं 0-3 अगर 3 महीने की मैं EMI बनवाता हूँ, मैं 0% पे ले सकता हूँ। अगर मैं 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने तो उनका कुछ जो चार्जेस हैं वो अलग लगेंगे आपका। 3 महीने में देख सकते हो गाइज 2000 रुपये की मैं डाउन पेमेंट दे के 13.5 हज़ार का मोबाइल 3 महीने के आराम से किस्तों में दे सकता हूँ, बिल्कुल आराम से, ठीक है गाइज। तो ये स्नैपमेंट इसका काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको अपना मनी व्यू से ऑलरेडी मैंने लोन ले रखा, वो भी मैं आपको अपना दिखा देता हूँ गाइस। एक मिनट आप वीडियो में बने रहे हैं पूरा पूरा इस वीडियो में, तो वो भी मैं आपको अभी पूरा दिखा देता हूँ। मनी व्यू आप खोल के वो भी आपको विश्वास हो जाएगा कि मुझे लोन मिला है नहीं मिला। मुझे गाइस पूरा पूरा अभी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, आप थोड़ा वेट रहे इस चीज़ में। देख सकते हो गाइस मुझे 30,000 का लोन मिला है, वेलकम ऋतिक, ठीक है। मैंने एक EMI इसी पे भी कर दी गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं उसकी दिखाता हूँ ट्रांजेक्शन में। एक EMI मेरी कट भी चुकी है, देख सकते हो आप, 3,000 रुपये की मेरी एक EMI कट भी चुकी है मनी व्यू से। मैंने गूगल पे से ही मनी व्यू का लोन लिया था, ठीक है गाइस। देख सकते हो 30,000 का लोन मिला, 3,000 की मेरी किस्त है 12 महीने, 30 के मुझे 36 देने पड़ रहे हैं, पर मेरी प्रोसेसिंग फीस कुछ भी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मैंने गूगल पे के थ्रू करा है, ठीक है। आपको मैंने अपना ये भी दिखा दिया कि मैंने लोन कहाँ से लिया है, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं अपना
आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे मान लो स्मार्ट कॉइन से मैंने यहीं से लिया था, जैसे आपको मनी टैप से लेना है या जौन सी भी आपको कंपनी जौन सी बेस्ट लगती है, इंस्टा मनी से आप तो इंस्टा मनी पर आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद लोडिंग होगी, लोडिंग का थोड़ा वेट रखना है। नेट थोड़ा मेरा स्लो है, देख सकते हो गाइस। अब मैं अपनी एप्लीकेशन रिज्यूम कर सकता हूँ, न्यू एप्लीकेशन देखो ये रहा, हाई ऋतिक लिखा है फास्टेस्ट कैश फुल्ली डिजिटल। इसके बाद न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे तो एलिजिबिलिटी आपको क्रिएट अकाउंट करना है, एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको अपने साइन इन कर लेना, अपनी जो जीमेल आईडी है, जो भी आपकी आईडी है, ठीक है, उससे आपको अपने साइन इन कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आपने कर लिया है मैंने, तो शायद मैंने इसका शायद अप्लाई भी करा हुआ था क्या, मैं वो भी आपको अभी चेक करके बताता हूँ। स्टार्ट न्यू लोन एप्लीकेशन पे आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। आप जैसे ही इसमें पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो आपको उसके थ्रू लोन मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो आप यही करके देखें, गूगल पे इतना ईजी आपको लोन देता है, आपको सीधा अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा, यहीं की से ही आपके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यार। पूरा पूरा मैंने आपको दिखा दिया है कि गूगल पे से लोन कैसे लिया जाता है, और मैंने अपना प्रूफ भी दिखा दिया कि मुझे मनीव्यू से 30,000 रुपये का लोन कैसे मिला, वो भी मुझे गूगल पे के थ्रू ही मिला। तो गाइस इस वीडियो में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यार।